Okay, today actually one of my students going to learn what is a keyword research analysis. So here I'm going to teach her. So let's start. Hello. Hello. Yeah. So are you comfortable with the Hindi or English? Hindi bol sakta? Hindi mein chalega. Theek hai. To pehle main aapka aapko ek keyword jo hai usko main thoda dikhata hu. So pehle main aapko bolunga what is keyword. Basic cheez aisa hota hai ki hamara keyword why keyword is necessary for search engine optimization. So इसमें क्या होता है कि keyword क्योंकि why you will apply research keyword. What is the difference between research keyword and normal keyword? तो difference यही है कि normal keyword जो हम randomly apply करते हैं उसको normal keyword बोलते हैं. So that means that keyword no I mean searches. तो रिसर्च कीवर्ड में क्या होता है उसमें ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है और सर्चेस ज़्यादा होता है तो उसको रिसर्च कीवर्ड बोलते हैं. तो रिसर्च कीवर्ड कैसे करेंगे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं बोलूँगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशन. दिस इज़ ए वन थ्री फेज कीवर्ड. थ्री फेज मतलब सॉफ्टवेयर एक वन फेज है, डेवलपमेंट टू है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है थ्री है. तो थ्री फेज कीवर्ड तो उसमें सर्चेस है या नहीं है मेरे को पता नहीं है, ठीक है. तो दिस इज़ नॉट ए रिसर्च कीवर्ड, इट्स ए नॉर्मल यू कैन से दिस इज कीवर्ड. ओके, सो व्हेन ए नॉर्मल आई मीन ओवरऑल कीवर्ड, व्हेन वी कॉल एन ओवरऑल कीवर्ड टू रिसर्च कीवर्ड. सो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू रिसर्च द कीवर्ड over Google Keyword Planner. This is one tool where we can research our overall keyword to research keyword. So research keyword क्या मतलब ज़रूरत क्या है, मतलब वेबसाइट में उसका बेनिफिट क्या है. तो इसका बेनिफिट यही है कि सपोज़ आप देखिए कि Google का जो सर्च इंजिन है वो डिफरेंट सिटी के लिए डिफरेंट है. जैसे कि हमारा इंडिया के लिए है google.co.in है, और US के लिए है .com है, और न्यूजीलैंड के लिए NZ है .co.nz है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए AU है. सो सपोज़ एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसका प्रोडक्ट वो ऑस्ट्रेलिया में सेल करना चाहता है, ठीक है. तो हम जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसका तो इंडिया का बेसिस से कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो सर्विस है वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड कर रहा है. उसका प्रोडक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. हाँ, तो इसमें हम ऑस्ट्रेलिया से सर्च करेंगे. तो उसका कैसे करेंगे मैं आपको एक दिखाता हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. जस्ट ए मिनट. So can you see my screen now? Hello? Yes, sir. Mera screen dikhai de raha hai? Nahi, abhi nahi. Just a minute. Yes. Can you see my screen now? हाँ जी. हाँ ठीक है. अब आ रही है. हाँ तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा एक्चुअली मैं क्या क्या किया है. आपके कीवर्ड जो रिसर्च है मैं कीवर्ड रिसर्च किया हूँ. तो किस टाइप का कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे बेसिकली, तो बेसिक फंडा मैं आपको बताऊंगा पहले. तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा
गूगल का जो google.com/AdWords, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ Hello? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, जस्ट ए मिनट, चलिए इसका पासवर्ड थोड़ा चेंज हो गया। देखते हैं, इसको थोड़ा मैं पासवर्ड को थोड़ा मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो हो गया मेरा, तो अभी मैं गूगल एडवर्ड्स का लॉगिन करूँगा, गूगल स्लैश एडवर्ड्स, तो उसमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो पहला वाला जो अकाउंट है वो मेरा खुद का अकाउंट है, तो उसको ठीक है, ये गूगल का एडवर्ड्स है, गूगल एडवर्ड्स इज इट्स योर प्रीमियम एड प्रमोशन लाइक पीपीसी। Here we can promote our ad, but I will tell you later what is the work of PPC. But basically, हमको इधर keyword planner एक चीज़ है, tools का keyword planner है, दिखाई दे रहा है इसमें एक keyword planner, planning section का नीचे keyword planner है, ठीक है? हाँ जी, हाँ, तो इसमें keyword research करते हैं, keyword plan, find new keywords है, और search volume forecast है, हम new keyword को सपोज मैं एक इधर हम एक एग्जांपल देता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें हम लोकेशन दे सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, और सपोज इंडिया का लोकेशन में हम टारगेट कर रहे हैं तो इसमें इंडिया हम लिख सकते हैं टारगेटेड कंट्री। सपोज दिस इज मोर वाइटल, क्या है कि सपोज एक वेबसाइट है, हम SEO कर रहे हैं, उसका टारगेटेड लोकेशन है US है, तो इंडिया को हम अप्लाई करके कीवर्ड रिसर्च कर दिए तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको टारगेटेड कस्टम चाहिए इंडिया से, सो उसी हिसाब से हम कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। सपोज आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो अभी दो चीज़ हो सकता है, जैसे कि
एक कस्टमर चाहता है कि मेरा इंडिया एज वेल एज यूएसए एंड यूके, तो इसमें हम तीन कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक कस्टमर चाह रहा है ओनली यूएसए, तो इसमें हम इंडिया यूएस नहीं ले सकते, ठीक है। कंबाइन कंट्री है तो कंबाइन हम ले सकते हैं, या स्पेसिफिक कंट्री कुछ है तो स्पेसिफिक कंट्री इधर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के लिए इंडिया सिलेक्ट किया, तो उसमें एक सेव ऑप्शन है, आप सेव कर दीजिए, ठीक है। तो सेव होने के बाद इधर कीवर्ड्स, कीवर्ड आइडिया, हाँ, तो इसमें देखिए लोकेशन आ गया, लैंग्वेज आ गया इंग्लिश। इधर हम सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक ओवरऑल कीवर्ड, दिस इज नॉट ए कीवर्ड बट एक ओवरऑल कीवर्ड में अप्लाई किया। देखो अभी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें एवरेज मंथली सक्सेस आ रहा है, ठीक है। मंथली सक्सेस आ रहा है 100 से 1000, तो मंथली सक्सेस क्या है, तो एवरेज मंथली सक्सेस टोटल टोटल कितना कस्टमर विजिट कर रहे हैं, मतलब इस कीवर्ड से। जैसे कि मैं अभी इसको मानते हैं सर्चेज, सब तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसको बोलते हैं सर्चेज, दिस इज द टू फेज कीवर्ड। सो हियर आई एम अप्लाइंग कीवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सो गूगल कैलकुलेट करता है कि इसमें जो पर्टिकुलर कीवर्ड है इसमें एवरेज सर्चेस कितना है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर में 10,000 सर्च, 10,000 से 1 लाख 100,000 सर्चेस है, ठीक है, तो वो डिटेल आ जाता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर, इसको थोड़ा ठीक है, ठीक है सर। देखो अभी क्या करेंगे, अभी इसमें हम कौन सा की, हाँ रिपोर्ट थी वो, हाँ बोलिए, मुझे रिपोर्ट थी वो इसी में से बनी है ना, हाँ देखिए कीवर्ड प्लानर में से, कीवर्ड प्लानर से। तो आपको इधर कंफ्यूज नहीं होने का, इधर देखना है आपका सर्चेस किस में ज़्यादा है। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कीवर्ड चुनना चाहता हूँ, तो मैं किसको चुनूंगा, मैं आप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, मेरा जो कीवर्ड है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मेरे को एग्जैक्ट कीवर्ड, अभी देखो एग्जैक्ट जो कीवर्ड है ऊपर में, अभी देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो सॉफ्टवेयर है इसमें 10 से 100 है, बहुत कम है, तो इसको हम नहीं ले सकते। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर वो डिफरेंट हो गया, हाँ वो डिफरेंट हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर दूसरा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दूसरा है। हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसका मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कीवर्ड लेना है, मेरे को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं चाहिए, मेरे को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए, ये वाला कीवर्ड चाहिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कीवर्ड लेना है, उसमें सर्चेस 100 से 1000 है तो अच्छा है, और भी उसका जो कंपटीशन है उसमें कंपटीशन भी दिखना है, ठीक है। लो जो कंपटीशन है, कंपटीशन मतलब क्या है, ज़्यादा कीवर्ड लोग सर्च करेंगे तो उसका कंपटीशन हाई रहेगा, और उसका जो लोगों का जो कंपटीशन है उसमें लो रहता है, इसका मतलब है वो कीवर्ड को ज़्यादा सर्चेस नहीं आ रहा है, आ रहा है सर्चेस बट कंपटीशन लो है, उसका कंपटीशन उसका डिमांड नहीं है, इतना डिमांड नहीं है, समझ रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, टूथपेस्ट का क्लोजअप टूथपेस्ट होता है, और आपका वो क्या बोलते हैं कोलगेट भी है, तो दोनों का दो ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड है, तो सब लोग यूज करते हैं, तो किसका कंपटीशन ज़्यादा है, कौन लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। किसको किसका किसका टर्नओवर ज़्यादा है, दोनों का तो मार्केट वैल्यू सेम है, दोनों तो मतलब दोनों का ब्रांडेड भी है, तो उससे कौन सा, जैसे कि हाँ, तो नीचे जाने से वो रिसर्च करने से पता चल जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर वेबसाइट दिस वन, द कॉम्पिटिशन इज मीडियम वी कैन टेक, ठीक है, ईयर
this is mobile application. For mobile application development software, we can take this keyword. This is this keyword have 1000 to 10000 views. ठीक है. और एक चीज है मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यू कैन दिस कैन टेक दिस कीवर्ड आल्सो फॉर मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है. फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशन दिस इज आल्सो सेकेंडरी कीवर्ड. ठीक है. प्राइमरी कीवर्ड होता है जैसे कि वो प्राइमरली यूज होता है, सेकेंडरी जो ऑर्डिनरी होता है उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन से यूज कर सकते हैं और मेटा कीवर्ड्स में यूज कर सकते हैं. लिंक बिल्डिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं जो टैग सेक्शन में. ठीक है. इसको देखो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट मिल गया. अच्छा कीवर्ड मिल गया हमको 1000 है 10000 है उसका कंपटीशन मीडियम है. अच्छा है ये वाला कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं. तो जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तीन चीज को हम याद रखना है. एक चीज व्हाट एवर यू आर सर्चिंग वी आर गेटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन. और थर्ड सेकेंड थिंग इज द एवरेज सर्चेस शुड बी हाई एंड द कॉम्पिटिशन वी हैव टू टेक द कीवर्ड द कॉम्पिटिशन शुड बी हाई एंड मीडियम. ओके सो नो नीड टू टेक द लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स. ठीक है. ठीक है. तो मैं आपको जो भेजा हूँ आप देख सकते हैं. हाँ हाँ बोलिए. मैं आपको दिखा रहा हूँ मेल. हेलो. हाँ हाँ मैं आपको जो कीवर्ड भेजा हूँ. हेलो. हाँ 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 एक मिनट वेट कीजिए. मेरा एक्चुअली टीम है एसईओ का वो बनाया है देख सकते हैं. देखो अभी लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपका जो एवरेज सर्चेस है वो 100,000 से 1,000,000 है और इसका कंपटीशन हाई है. तो ये वाला जो कीवर्ड है वो रिसर्च कीवर्ड है आप देख सकते हैं. ठीक है. तो ये वाला चीज़ मैं आपको भेजा हूँ. ठीक है. आप देख सकते हैं ये वाला कीवर्ड. तो आप समझ रहे हैं ना ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस का कीवर्ड है. ये डिजेबिलिटी इंश्योरेंस है. ये वाला जो लाइफ इंश्योरेंस है ये है ओवरऑल कीवर्ड. दीज आर द ये भी हो सकता है लाइफ ओवरऑल कीवर्ड भी रिसर्च कीवर्ड हो सकता है नहीं हो सकता है. मे भी वो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सर्चेबल हो सकता है या मे नॉट भी सर्चेस नहीं हो सकता है. जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में इसमें सर्चेस है. ठीक है. तो ये भी हो सकता है. तो लाइफ इंश्योरेंस कितना फेज कीवर्ड है. ये दो फेज कीवर्ड है टू फेज कीवर्ड है. ठीक है. तो हाँ तो जो फेज है मैं आपको कीवर्ड डेंसिटी जब पढ़ा बताऊंगा कीवर्ड डेंसिटी में आपको काम में आएगा क्योंकि कीवर्ड डेंसिटी इज वाइटल फॉर योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. तो इसमें हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और कीवर्ड को कैसे अप्लाई करेंगे. दिस कीवर्ड यू हैव कलेक्टेड फॉर व्हाट वी हैव टू डू विल डू एंड अप्लाई आवर वेबसाइट एंड कैलकुलेट एंड विल कैलकुलेट दैट हाउ मच कीवर्ड डेंसिटी यू आर गेटिंग. ओके. So as per the SEO rule, the keyword density should be 2-3%. So if you have more than 2-3% keyword research, I mean KD keyword density, then we will reduce. So I will tell you everything details if you will cover any on page optimization, then I will cover everything. So here this is the keyword density technique, and I have collected here. I'm going to download it. Okay. I'm going to show you. Just a minute. Okay, sir. So this is the life insurance and disability insurance, travel insurance, critical illness insurance,
सर वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, आई थिंक सुपर वीजा इंश्योरेंस है। ओके, हाँ सुपर वीजा इंश्योरेंस ऑल्सो अवेलेबल, सुपर वीजा इंश्योरेंस ऑल्सो अवेलेबल। सो हाँ वी जस्ट रिसर्च द की हाँ वर्ड, ठीक बट वी जस्ट रिसर्च द की वर्ड वॉट एवर पेज डिमांड, आई मीन अकॉर्डिंग टू दिस वी विल अप्लाई। दिस इज वॉट वी आर डूइंग, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हमको जो सेकेंडरी की वर्ड पर हम जस्ट कलेक्ट करके रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए। जो भी की वर्ड हम जरूरत होगा फ्यूचर में, ऐसे हो सकता है भी और जरूरत की वर्ड पड़े तो उसको हम जाकर भी रिसर्च करेंगे। एक सीड है जैसे कि हमको ओवरऑल एक आइडिया देगा। ठीक है, सर, ये जो ये जो बाकी टू टंकी है, दिस इज अ डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी। क्या क्या है? नहीं, वो 1000 है, 1K मतलब 1000। 1000 to 10000 जो है हाँ ना, वो सर्चेज हैं सर। ये जो सारा है मतलब इसको कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं नहीं, कीवर्ड या इंसर्ट, वो कोई अलग प्रोसीजर है इसका? नहीं, 1K मतलब 1000, K मतलब 1000। ठीक है, मैं उसको K में लिखा हूँ। ठीक है, हाँ वो तो कीवर्ड है। अच्छा कीवर्ड डेंसिटी का दूसरा प्रोसेस है, वो पेज में हम कैलकुलेट करेंगे। कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है KD इक्वल टू सर्च कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इनटू 100। तो वो बाद में, उसका फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी जो कीवर्ड डेंसिटी का जो चीज़ है, आपका फंडा क्लियर हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, ये क्लियर हो गया कि हम लोगों ने पहले गूगल एडवर्ड्स पर जाना है, वहां से कीवर्ड प्लानर उठाना है ना। हाँ, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मतलब तीन चीज़ आपको याद रखना है, आप जो चीज़ कर रहे हैं मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को लाना है, और देखना है कि आपका जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे कि मैं एक समय में अभी अभी इसको कीवर्ड जैसे कि बाइक इंश्योरेंस है, इधर मैं डालूँगा विजिटर इंश्योरेंस, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ओवरऑल कीवर्ड हिसाब से आपका सर्चेस आना चाहिए। ठीक है, आपके पास ये सीड है ना? हेलो, हाँ जी, मैं आपके पास ये वाला, सीट है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी है, ठीक है, तो रिकॉर्ड आप, हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो आप थोड़ा इसमें टेस्ट कीजिए, और इसमें जाकर एक सेटिंग में जाकर इसके जाकर, और टारगेटेड कंट्री जो है वो वाइटल है, आपको जो टारगेट कर रहे हैं ना इस इधर जो है सर्च वॉल्यूम सर्च करके, अब सर्च करके इधर राइट हैंड साइड में आएगा, उसको थोड़ा देखिए। ठीक है, थैंक यू।